Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज है तीज। आप सब लोगों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और ये जो गुजिया है ये मम्मी जी ने बनाई है, सूजी वाली है प्रसाद पे चढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ इस तरह का डाला भरा जाता है, तो दुबई में तो ये डाला मिलती नहीं है, तो वहाँ पे मैं कुछ और अरेंज कर लेती थी। अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो इस तरह से पूजा करूंगी। और ये पांच डाला है, तो पांच डाला भी तैयार करूंगी। मैं इसमें क्या क्या डालूंगी मैं अभी आपको बताती हूँ। पान, सुपारी, अक्षर, तेल जौ, और ये पांच गुजिया, ये दो मैदे की पूरी, छावा की सत्तू है तो ये डालते हैं पूरियों के ऊपर, गूंग, दही, ये फल, मकई, इसमें सिंदूर है तो सिंदूर, ये एक डाला तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी का चार डाला भी मैं तैयार कर लूंगी। मेरी पूजा और नवनिया के टीचर अभी आने वाले नहीं थे, मतलब इस टाइम में नहीं आते, बट उन्होंने कॉल किया कि शाम में उनको भी पूजा में जानी है। आज शाम में एक्चुअली चौरचंद की पूजा है, हमारे यहाँ चौरचंद की पूजा होती है, तीज की पूजा भी दिन में, शाम में चौरचंद की पूजा है, तो सब लोग करते हैं। तो बहुत लोगों की पूजा गाँव में होती है, तो गाँव जाते हैं, तो सर ने मुझे कॉल किया कि उनको गाँव जाना है, तो उन्होंने बोला कि अभी आके पढ़ा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, नहीं तो मैंने सोचा था नवनिया भी यहाँ पर मेरे साथ पूजा में रहते, नवनिया भी नीचे पढ़ रहे हैं, मैंने सर को बोला आप नीचे ही पढ़ा दीजिए, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैंने पूजा कर लिया, और यहाँ शिव जी पार्वती जी के पास अभी से लेके कल सुबह तक 7 बार मुझे आरती करनी है, तो वो मैं करूँगी। शाम में यहाँ पे चौरचंद पूजा है, यही है तीज पूजा की जो व्रत होती है, उसमें कुछ भी नहीं खाना होता है कल सुबह तक, और कथा वाली किताब में तो लिखा हुआ है सोना भी नहीं रहता है बट हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन उसमें लिखा है सोना भी नहीं रहता है। तो चलिए मैं अब आपसे बाद में मिलती हूँ। शाम की पूजा में लोग आएंगे, उसके लिए सब्जी ही बनी है, ये पनीर, परवल, आलू, सब मिक्स सब्जी है, ये खीर, पूरी। शाम के पूजा की तैयारी हो रही है, ये रीजन जी की वाइफ है, गांव से आई हैं, यहीं पूजा करेंगी, मतलब इसमें हाथ उठाया जाता है, तो ये अपना भी करेंगी और मम्मी जी भी करवाती हैं किसी से, तो ये हमारे घर का भी हाथ उठाएंगी। चांद की पूजा की जाती है, तो ये चावल का पिठार बोला जाता है, चावल को पीस के बनाया जाता है, तो ये लगा रही हैं, यहीं पे पूजा होगी। निया हैरान परेशान गर्मी से है ना, के पास। और वहाँ मंकी है,
What? I'm a good writing. Good writing? निया के फिंगर्स कितने बड़े हो गए हैं। वाह। तो चांद को प्रणाम किया जाता है हाथ में फल लेके, कोई भी एक फल। नवनिया कम आओ बुआ, निकलते हैं फिर छुप जाते हैं। फल दीदी के दे दे। Nav, come here. Nav, Dada. Very good, Nav. बोलो भूल चूल गलती सलती सब माफ कीजिएगा, हमको ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। और ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, सरस्वती दीजिए। शाम की आरती का टाइम है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग। कल थी तीज पूजा और रात में चरचन पूजा हुई। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो जिस दिन पूजा करते हैं और व्रत में रहते हैं तो उसके अगली सुबह पारण किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे से सारा प्रसाद वगैरह हटाऊंगी और भगवान जी की फोटो यहाँ से हटा कर वापस से घर के मंदिर में रख दूंगी। ये जो डाले वगैरह तैयार किए हैं, जो प्रसाद चढ़ाया है, तो ये जो 5 डाला है, तो ये ऐसा है कि हम किसी के घर पर भेजेंगे, फिर अगर वो पूजा करते हो तो वहाँ से भी एक डाला आएगा, और जो लोग पूजा नहीं करते हैं तो वहाँ भी जाता है। वैसे तो 5 डाला ही होता है, लेकिन अगर हम किसी के घर भेजते हैं वहाँ से फिर आता, तो ऐसे करते करते आना जाना ऐसे लगा रहता है। और बहुत लोग के घर पे ऐसे गुजिया वगैरह और बाकी का प्रसाद भी ऐसे ही जाता है। तो यही है। तो चलिए अब मैं ये सब हटा लेती हूँ।
फिर आपसे मिलती हूँ। पूजा संपन्न हो गई और चौरचन की भी पूजा हुई। तो चौरचन की पूजा रीजा जी जो यहाँ पे रहते हैं, मैंने पहले भी बताया बहुत बार अपनी वीडियो में, वो करीब 28-30 साल से यहाँ पे, तो उनकी वाइफ ने गांव से आकर यहाँ पे पूजा किया। और गोलू जिसको आपने बहुत बार मेरी वीडियो में देखा होगा, तो वो रीजन जी का बेटा है। वो यहाँ पे काम नहीं करता, वो यहाँ पे रह के पढ़ाई करता है। वो अभी ग्रेजुएशन में है, तो यहाँ पे रह के पढ़ता है। कि उनका घर गांव में है, तो गांव में फिर वैसा कॉलेज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे उसने एडमिशन लिया। जब उसने 10th पास किया था तभी वो यहाँ पे आ गया था। तो उस टाइम में, छुट्टी के टाइम में उसने कंप्यूटर वगैरह का कोर्स किया, और अभी यहाँ पे रह के वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो यही है, तो उनकी वाइफ ने आके चौरचन की पूजा की और तीज की पूजा भी संपन्न हो गई अभी। और अभी जाकर मैं प्रसाद खाऊंगी, मतलब अभी जाके मैं अन्न ग्रहण कर सकती हूँ। अभी तो सबसे पहले प्रसाद खाऊंगी, फिर पानी पीऊँगी। लाइट भी चली गई, और कल पूजा के टाइम में यहाँ पे कोई भी नहीं थे, मैं अकेले थी यहाँ पे ऊपर में, तो सब अपने अपने कामों में बिजी थे, इसीलिए छोटी सी वीडियो है कल की पूजा की, बस यही है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।